गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ टुडे इज़ मैथ ऑनलाइन क्लास एंड आई एम योर मैथ टीचर। ओके, नाउ टुडे इज़ मॉरल इज द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। दिस मीन्स शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल मीठा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें जो स्टार्टिंग में एजुकेशन जो हम एजुकेशन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तो हमें वो बच्चों को हमें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या कहा गया है उसको कड़वी कहा गया है, क्योंकि वो आप लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हो। अधिकतर बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, उनको प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स कि पढ़ो लिखो, रोज़ स्कूल जाना पड़ता, हार्डवर्क करना पड़ता, होमवर्क करना पड़ता, तो आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, आपको स्टार्टिंग में ये सब कड़वी लगती हैं। ओके, इसलिए कहा गया शिक्षा की जड़ें क्या हैं, कड़वी हैं, लेकिन जब आप पढ़ लिख कर कुछ अचीव कर लेते हो, अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर लेते हो, तो आप जो एम अचीव करते हो वो क्या है, वो फ्रूट है। जो जो जड़ें आपको स्टार्टिंग में कड़वी लग रही थी, लास्ट में आपको जाके जब कोई एम अचीव होता है तो वही वो फ्रूट जो आपको मिलता है वो बहुत ही स्वीट होता है। दिस मीन्स आपकी लाइफ जो होती है एकदम स्वीट हो जाती है, एकदम अच्छी हो जाती है। तब आपको एहसास होता है कि हाँ, हमने जो किया था, हमारे पेरेंट्स जो हमें इतना प्रेशर कर रहे थे कि पढ़ो, तो वो उस समय जो कर रहे थे वो आपके लिए कितना अच्छा था। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम चैप्टर 4 एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने एडिशन के बारे में पढ़ा और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम जॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एडिशन मीन्स ऐड करना, जोड़ना, किसी भी चीज़ को मिला करके ऐड कर देना एडिशन। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, किसी चीज़ को अलग कर देना मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्शन। द साइन ऑफ एडिशन इज प्लस। ओके, एडिशन का साइन क्या होता है, प्लस, और सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, माइनस। ओके, एडिशन का साइन प्लस होता है और सब्ट्रैक्शन का साइन आप जानते हो माइनस। नाउ लुक हियर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो क्या हैं, एक पेड़ के ब्रांचेस पे बैठी हुई हैं। नाउ लुक, देयर आर 5 बर्ड्स ऑन ए ब्रांच, 2 मोर बर्ड्स ज्वाइन इन। यहाँ पर देखिए एक ब्रांच है जिसमें कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 बर्ड्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। देन 2 मोर बर्ड्स ज्वाइन इन, 2 मोर बर्ड्स ने मतलब दो अधिक बर्ड्स ने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। तो इसमें इतने बर्ड्स पहले थे, 5 बर्ड्स पहले से थे और 2 बर्ड्स इन्होंने इन 2 बर्ड्स ने इनको ज्वाइन कर लिया। तो हाउ मेनी बर्ड्स, तो 5 देन प्लस 2। ओके, हम ऐड कर देंगे इन दोनों 2 बर्ड्स को, तो कितने बर्ड्स हो जाएंगे, 5 में 2 ऐड कर देंगे, 6, 7। ओके, कितने बर्ड्स हो गए टोटल, 7 बर्ड्स। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन। नाउ नेक्स्ट, दे आर 7 बर्ड्स ऑन द ब्रांच, दिस कैन बी रिटन एज 5 + 2 = 7। अगेन 4 बर्ड्स फ्लाई अवे, और फिर कितनी, 4 बर्ड्स जो हैं उड़ गई, फ्लाई अवे। नाउ देयर आर 3 बर्ड्स लेफ्ट, अब टोटल आपके पास कितनी बर्ड्स थी, 7 बर्ड्स इस ब्रांच पे बैठी थी, इसमें से कितनी बर्ड्स उड़ गई, 4। ओके, देखिए यहाँ पर 4 बर्ड्स उड़ गई, 1 2 3 4, इस 7 बर्ड्स में से जब 4 बर्ड्स उड़ गई तो कितनी बर्ड्स इस पे बची, अब पहले 7 थी, इसमें से 4 बर्ड्स उड़ गई, 1 2 3 4। ओके, 4 बर्ड्स इसमें से उड़ गई इतनी, तो कितनी बची, इसके बाद काउंट करेंगे आप, 1 2 3, 3 बर्ड्स बची। दिस मीन्स इट इज सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको, यहाँ पर पहले आपने एडिशन किया, 2 मोर बर्ड्स ने ज्वाइन किया, उसके बाद 4 जो बर्ड्स क्या हो गई, उड़ गई। सो यहाँ पर पहले एडिशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपका सब्ट्रैक्शन हुआ, आपने 7 में से 4 माइनस कर दिया, आपका 3 बचा। सो इट इज़ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो सबसे पहले हम जब ऐड किया गया, हमने ऐड किया 5 + 2 को ऐड किया, नाउ आफ्टर दैट
हमने 7 में से क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इक्वल टू 3। लास्ट में कितनी वर्ड्स बच जाती हैं, 3 वर्ड्स। इस तरह से ये क्या हुआ, आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ। इसी तरह से हम आज के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर, यू ट्राई इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस मीन्स एडिशन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमको ऐड करना है, देन आफ्टर हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 + 5 को ऐड करेंगे। तो 13 + 5 को पहले ऐड करके हम राइट करेंगे। हमारा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व करना है। पहले हमें क्या करना, ऐड करना। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, 13 + 5 = ऐड करिए इसको, 5 + 3 = 7, 17। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, हमने इसको ऐड किया, हमारा 17 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, अब हमें 17 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 8। 17 - 8 = अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 स्टेप में इन्हें सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा ऐड करने के बाद जाएगा टोटल में, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से हम इसको करेंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में हम राइट करेंगे 10 + 5, ओके 15। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम, स्टेप सेकेंड में हम 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 15 - 1, 10 + 5, 15 - 1 = 14। ओके, सो योर आंसर इज 14। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, एडेड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग वन डिजिट नंबर्स। ये वन डिजिट नंबर्स हैं जिनको हमें क्या करना, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, 4 + 3 - 5, 4 + 3 - 5। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 + 3 को ऐड करेंगे। 4 + 3 को हम ऐड करेंगे तो 7, यहाँ पर आप 7 राइट करेंगे। नाउ अब हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा जो ऐड करने के बाद आया उसमें हम -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो जब हम -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5 = 2, यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे। इस तरह से आपका जो टोटल वैल्यू हुआ, 4 + 3 - 5 = सेकेंड स्टेप आपका क्या था, 7 - 5। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर 7 - 5, देन आफ्टर आपका क्या इक्वल टू, रिजल्ट क्या आ गया आपका, 2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हमने जो फर्स्ट स्टेप में जो ऐड किया वो यहाँ पर राइट करेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, 7 - 5। अब 7 - 5 के बाद हमारा क्या आता है आंसर, 2। ओके, सो 4 + 3 - 5 = 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, बी, 6 + 2 - 3, 6 + 2 - 3। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 6 + 2 हम ऐड कर लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में 6 + 2 = क्या आएगा आपका, 8। ओके, 8 यहाँ पर ऐड करेंगे। अब स्टेप टू क्या होगा हमारा, हम उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना हमको, तो 8 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो यहाँ पर हम 8 राइट करेंगे। फिर हम सेकेंड स्टेप में 8 - 3 राइट करेंगे, 5। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 5 मिलेगा। इसी तरह से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर सकते हैं, 6 + 2 - 3, 6 + 2 = 8, हम 8 - 3 = हमें क्या मिला, 5। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एडेड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर्स। ओके, इसमें क्या है, यह आपके फर्स्ट डिजिट नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 डिजिट नंबर्स को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम सेम उसी प्रोसेस पे करेंगे। यहाँ पर तो 1 डिजिट नंबर था, तो आपने डायरेक्ट ऐड कर लिया, फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया।
पर, यहाँ पर टू डिजिट नंबर्स है, टू डिजिट नंबर्स हैं, तो आप टू डिजिट नंबर्स को राइट करोगे, जब वंस टेंस करके राइट करोगे तब आप उसको ऐड कर पाओगे। फिर हमको उसमें जो हमारा ऐड आएगा, ऐड करने पे उसमें हम सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ लुक हियर, 33 प्लस 55 माइनस 22। 33 में पहले हम 55 ऐड करेंगे, तो 33 में 55 ऐड करेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस ऐड करेंगे, वंस में वंस को और टेंस में टेंस को ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। अब हमें जो ऐड करने, फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, जो हमें एडिशन के बाद मिलता है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 88 में हम 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, सो योर आंसर इज 66। दिस मीन्स इस टोटल का आंसर आपको कितना आ गया, 66। इस तरह से आप और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। नाउ लुक हियर, लास्ट क्वेश्चंस डी। डी में आपको 46 प्लस 21, 46 में 21 ऐड करना है, देन आफ्टर थर्टी फाइव हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 46 में हम 21 ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 और 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ओके, अब हम 67 में 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 35, इसी के नीचे हम वंस के नीचे वंस 5 ऐड करेंगे और टेंस के नीचे 3। फाइव, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 प्लस 14 माइनस 25। 72 में हमें 14 ऐड करना है, आफ्टर दैट हमें 25 सब्ट्रैक्ट करना है। अब 72 में हम 14 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 6 7 प्लस 1 7 1 8 हो जाएगा, इट इज सिंपल एडिशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ कैरी लेके एडिशन होगा, 38 प्लस 12, 38 में हमें 12 ऐड करना है, देन आफ्टर हमें 24 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 38 में जब हम 12 ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, यहाँ पर आपका 10 होगा, 0, 1 कैरी, नाउ 3, 1, 4, 1, 5। ओके, अब हम 50 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लुक हियर, 0 इज लेस देन 4, वी टेक बोरो फ्रॉम 5, देन हीयर विल बी 10 एंड हीयर विल बी, यहाँ पर 1 लेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 4। ओके, अब हम 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6, नाउ 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2, ओके, 26। इस तरह से आप कैरी के एडिशन को भी, कैरी एडिशन और बोरो के सब्ट्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम 66 में 14 को ऐड करेंगे, देन आफ्टर हम माइनस 40 करेंगे। ओके, 66 में पहले हम 14 ऐड करेंगे, आफ्टर दैट हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में 4 ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 0, 1 कैरी हो गया हमारा, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। ओके, नाउ 0, अब हमें 40 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 40। ओके, इस तरह से हम पहले एडिशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा एडिशन होगा, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा साथ सब्ट्रैक्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स। अभी तक आपने फर्स्ट डिजिट नंबर्स यहाँ पर रीड किया, ओके, नाउ अगेन सेकेंड डिजिट नंबर, ओके, सेकेंड डिजिट नंबर, सेकेंड डिजिट सब्ट्रैक्शन, एडिशन सेकेंड डिजिट एंड सेकेंड डिजिट सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या है, आपको थर्ड डिजिट नंबर्स का एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो 500 प्लस 200, 500 में हम 200 को ऐड करेंगे, देन आफ्टर हम 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 500 में हम पहले 200 को ऐड करते हैं, 1 से 1 को, 10 से 10 को और 100 को 100 से ऐड करेंगे, 1 10 100। तो देन 0 0 ऐड करेंगे, 0, देन 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। देन आफ्टर 700 में हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0, देन आफ्टर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3।
ओके, सो योर आंसर इज 300। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ लुक हियर, 250 को हमें कितना ऐड करना है, 350 ऐड करना है, फिर हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 275 में हम 350 ऐड करेंगे, वंस के नीचे वंस ऐड करेंगे, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 5 + 10 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6। ओके, अब हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 275 हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 275 को जो हम 600 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखिए 0 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 इज लेस देन 5, 0 क्या है, 5 से कम है, सो वी टेक बारो फ्रॉम टेंस, हम टेंस से बारो लेंगे, बट टेंस इज 0, टेंस क्या है हमारा, 0 है, टेंस हमारा 0 है, इज ऑलरेडी 0, इसके पास ये 0 इसके पास कुछ नहीं है, सो ये जब इसके पास खुद कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो ये वंस को कैसे देगा, ये वंस को नहीं दे सकता, तो टेंस क्या करेगा, 100 से लेगा वन बारो, जब टेंस 100 से वन बारो लेगा, दिस मीन्स 6 क्या करेगा, वन बारो टेंस को देगा, जब ही गिव्स वन बारो टू टेंस, देन हियर विल बी 1 less 5 एंड हियर विल बी कम 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जब ये वन बारो दे दिया टेंस को, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ओके, अब ये खुद सफिशियंट हो गया कि ये वंस को द बारो दे सकता है, दिस मीन्स अब ये वंस को बोरो देगा, अब ये 10 में से वन बोरो जो वंस को देता है, दिस मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टेंस वन टेंस देगा और 0 वंस, तो 10 हो गया आपका, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 10 था तो 1 लेस हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 9। ओके, यहाँ क्या हो गया आपका, टेंस के नीचे 9। अब हम 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 10 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। ओके, इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 325। 250 प्लस 350 माइनस 275 इज इक्वल टू 325। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, इसमें 5 + 2 7, 7 3 10, ये इट इज़ वेरी इजी, सब इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आप देखिए, 621 में 132 ऐड करना हमें, 621 में 132 ऐड करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 1 = 7, अब हम इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 232, 232 सब्ट्रैक्ट करके इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे राइट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज 264 में हम 321 ऐड करेंगे, 6 + 4 = 5, 6 + 2, इट इज़ वेरी इजी। कि ये सब क्या है, बिल्कुल ईजी है, इनको आप कर सकते हो, नो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए, बस हमको इतना याद रखना कि फर्स्टली 2 स्टेप हम एडिशन का ऐड करेंगे, देन आफ्टर उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 642 में से 100 ऐड करेंगे, 742 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन हम और अगेन सॉल्व करते हैं दोबारा। फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव में 128 ऐड करना हमें, 425 में वंस टेंस 100 के नीचे हमने राइट कर लिया, 5 में हम 8 ऐड करेंगे, 8 + 5 = 13, 3 है, 1 कैरी हो गया हमारा, 2 + 2 = 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5। ओके, अब हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना, 112 में इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 = 1, 5 - 1 = 4, 5 - 1 = 4, सो योर आंसर इज 441। ओके, आप एडिशन करेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, देन आफ्टर जो हमारा एडिशन आएगा उसमें हम जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। सो यह हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल आंसर हमारा इसका कितना हो गया, 441। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 4.1।
इसको आप अपनी फेयर कॉपी में भी सॉल्व करेंगे एंड कम्प्लीटली आप फेयर कॉपी में इसको राइट करें। ओके, जैसे ये राइट है बिल्कुल आप इसी तरह से अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे और इसको अपनी बुक में भी इसको पहले फिल कर लेंगे। ओके ओके बाय। और एक बात और आपसे कहनी है, बहुत से बच्चे टेबल नहीं रीड कर रहे हैं, अगर आप टेबल नहीं रीड करोगे तो आप उसको क्या भूल जाओगे। ओके, आप भूल जाओगे, इसलिए आप इसको टेबल डेली लर्न किया करो, डेली वन टाइम रीड किया करो, वन से टू टाइम आप डेली टेबल रीड करो और जिनको नहीं रीड है वो लर्न कर लें। टेबल आपको लर्न होना चाहिए 15 तक, तो कम से कम 20 तक तो टेबल लर्न ही लर्न होना चाहिए, और 20 तक नहीं तो 15 तक तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ओके, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद मैं हर बच्चे से टेबल पूछूंगी। ओके, सबको टेबल 15 तक तो निश्चित ही लर्न होना चाहिए, और जिन और लर्न तभी होगा आपको जब आप डेली रीड करोगे। और जिन बच्चों को पहले से लर्न था वो भूल जा रहे हैं, क्यों भूल जा रहे हैं, क्योंकि वो अब पढ़ नहीं रहे हैं, वो टेबल ना पढ़ रहे हैं ना स्टडी पे अपने ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आप डेली टेबल रीड करिए और जिनको रीड नहीं है वो लर्न करें। वन टाइम तो आप डेली टेबल रीड किया करिए, रफ कॉपी में राइट किया करिए। ओके okay.